लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है शरीर में कैसे फैलती हैं कैंसर की कोशिकाएं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें, साथ ही वीडियो लाइक करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। मेरे फ्रेंड को कैंसर था, इस वजह से मैं कैंसर की बीमारी और उसके ट्रीटमेंट को काफ़ी करीब से देख चुका हूँ। साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक हम कैंसर की पूर्ण इलाज खोज नहीं पाए। इसका कारण है कैंसर का बदलता स्वरूप, जिस बीमारी के लक्षण बढ़ने का तरीका और स्वभाव एक जैसा होता है उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन कैंसर के साथ ऐसा नहीं है। कैंसर का हर केस दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी सदियों से अपना कहर इंसान पर बरपा रही है। आज भी कैंसर के कारण विश्व भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। भारत में 9 व्यक्तियों में से एक, यूएसए में 3 में से 2, यूके में 2 में से 1 व्यक्ति को कभी न कभी कैंसर होता है। शरीर में कैंसर की कोशिकाएं कैसे फैलती हैं? कैंसर को समझने के लिए हमें शरीर का फंक्शन समझने की जरूरत है। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। इन अंगों का काम अलग-अलग होता है। शरीर के अंग को काम करने के लिए सेल्स को जिम्मेदार माना जाता है। ये अंग छोटे लिविंग यूनिट से बनते हैं जिसे सेल्स कहते हैं। ये सेल्स ग्रो करते हैं, पुराने होते हैं और डैमेज होकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद यह पुराने सेल्स नए सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में पुराने सेल्स खत्म नहीं होते हैं बल्कि असमान संख्या में बढ़ने लगते हैं। इस दौरान नए सेल्स भी बनते हैं, लेकिन इस तरह असमान सेल्स के बढ़ने से सेल्स ज़्यादा जगह बनाने लगते हैं। अंत में ये लंप या गांठ का फॉर्म ले लेते हैं। ये गांठ कभी-कभी आंखों से नजर आती है, लेकिन कुछ मामलों में ये जांच में ही नजर आती है। मेडिकल भाषा में इस गांठ को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर के लिए खतरनाक नहीं होता है और इसका ग्रोथ तेज नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ है मेलिग्नेंट ट्यूमर। यह मेलिंग ट्यूमर या फिर इसको हम कैंसर बोलते हैं। ये जानलेवा होता है और तेजी से शरीर के बाकी अंगों में फैलने लगता है। स्टेज 4 में भी कैंसर का इलाज अब संभव है। जब ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो शरीर के सेल्स कई अंगों में फैल जाता है। ट्यूमर वाले सेल्स से सीट्स अलग हो जाते हैं और ब्लड में भी जा सकते हैं। इस वजह से ब्लड कैंसर होता है। एक अंग से दूसरे में फैलने वाले कैंसर को मेटास्टेटिक कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कैंसर एडवांस हो चुका है और इसे स्टेज 4 कैंसर भी कहा जाता है। इस स्टेज पर सर्जरी नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ तरह के कैंसर में इलाज संभव है। उदाहरण के लिए कीमोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो जो लोग ये समझते हैं कि स्टेज 4 कैंसर में इलाज संभव नहीं होता है, तो ये उनका भ्रम है। अब स्टेज 4 में भी इलाज संभव है, लेकिन यह बात कुछ ही कैंसर के प्रकार पर लागू होती है, सभी कैंसर के प्रकार पर लागू नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और अगर आपकी फैमिली में कोई कैंसर है, किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो वो वीडियो शेयर करके उनको भी भेजें, ताकि आपने फ़ायदा उठाया, उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।